गुरुवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 36 घंटे से चल रही छठी माता का व्रत महिलाओं ने जल ग्रहण कर किया समाप्त। छठी माता के व्रत के दौरान बीते दो दिनों से लगातार शहर के वैनगंगा नदी के सभी घाटों पर देखी गई श्रद्धालुओं की भीड़। आस्था और पूरे विधि विधान से मनाया गया छठी माता का पूजा पर्व। बिना वैक्सीन लगाए आ गया मोबाइल पर प्रमाण पत्र। कोविड वैक्सीन के मामले में जिले के भीतर भारी अनियमितता दिखाई दे रही है। लोगों को वैक्सीन लगाने से पहले ही आ रहा है प्रमाण पत्र। बारह और तेरह नवंबर को दो तिथियों में मनाया जाएगा आंवला नवमी का पर्व। परिवार की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना के लिए की जाती है आंवले वृक्ष की पूजा। जटा संगत त्रिवेदी महाविद्यालय में एनएसएस के कार्यक्रम के अधिकारी डॉक्टर आशा गोहे को सेवानिवृत्त होने पर दी गई विदाई। शहर के उत्कर्ष विद्यालय में हुआ चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। 3 दर्जन से अधिक छात्रों ने लिया भाग। लालबरा तहसील के अंतर्गत आने वाले टेकाडी तालाब में नाव डूबने से डूबे 3 युवक, तीनों की हुई मौत। 11 नवंबर की दोपहर को टेकाडी तालाब घूमने गए थे तीनों युवक। इस दौरान हुआ हादसा। घटना में पनबीरी निवासी 28 वर्षीय अश्विनी ब्रह्मे, बघोली निवासी 28 वर्षीय दीपांकर बिशेन और टेंगनी निवासी 27 वर्षीय पंकज पटेल की हुई मौत। सहस्त्रबाहु जयंती के अवसर पर सर्व वर्गीय कलार समाज के द्वारा गायखुरी मंदिर में हवन पूजन एवं महाआरती का किया गया आयोजन। शहर में निकाली गई बाइक रैली। बुधवार को शहर के ढीमाटोला में आयोजित मंडई में कपड़ा दुकानदार से की गई पैसे की मांग। पैसा नहीं देने पर दो युवकों के द्वारा गौरीशंकर नगर निवासी 38 वर्षीय प्रशांत रंगारी से की गई मारपीट। शहर के वार्ड नंबर 18 शिवाजी पद गली में 8-10 युवकों ने एक राय होकर एक युवक अमन की जमकर की पिटाई। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। लोक निर्माण विभाग में पदस्थ एसडीओ मनीष ठाकुर को अज्ञात जहरीले जंतु ने काटा। जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। लांजी तहसील के नसकट्टा गांव में कीटनाशक छिड़काव के दौरान संपर्क में आई 35 वर्षीय महिला प्रमिला टेकाम, इलाज के दौरान हुई मौत। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों की आयोजित की बैठक। विभाग से जुड़ी योजना की समीक्षा। बैयर परियोजना के 2 पर्यवेक्षक मेघा डहरवाल और सुषमा वासनिक की 2 वेतन वृद्धि रोकने के लिए दिया आदेश। बारासिमनी के मेंढकी में आपस में टकराई 2 मोटरसाइकिल। घटना में एक मोटरसाइकिल सवार भेंडारा निवासी 22 वर्षीय युवक प्रदीप नकपुरे और पवन मस्करे की हुई मौत। दूसरी मोटरसाइकिल में सवार 4 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल किया गया रेफर। बारह सूत्रीय मांगों को लेकर टीकाकरण कार्य करने वाले फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मचारियों ने शुक्रवार से हड़ताल पर जाने का किया ऐलान। नगर पालिका के द्वारा शहर के बस स्टैंड में गोठान भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई। नगर पालिका की कार्रवाई पर सामाजिक जनों ने जाहिर की खुशी। शहर के वार्ड नंबर 24 के लोगों ने नगर पालिका पर बीते 1 वर्ष से साफ सफाई नहीं करने का लगाया आरोप। गुरुवार को नगर पालिका पहुंचकर बताई आप बीती सफाई नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। लालबरा तहसील के बुट्टा हजारी गांव में पानी की निकासी नहीं होने से ग्रामीण हो रहे परेशान। सचिव ने दी जानकारी, नई नाली का हो रहा है निर्माण कार्य, इसलिए नहीं हो पा रही है पानी की निकासी।